दोस्तों आज हम जो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वन यूआई 3.0 और 3.1 में, दोनों में क्या डिफरेंस आया है अपडेट आने के बाद, या फिर आपके डिवाइस में अपडेट आ चुका है 3.0 एंड्रॉयड 11 का, या फिर आपके डिवाइस में अपडेट आ चुका है 3.1 एंड्रॉयड 11 का। तो आज हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या चेंजेस आए हैं 3.1 में और 3.0 में क्या चेंजेस आए हैं, आपको यहाँ पे पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टैक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है, मेरा डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी A51। तो चलिए मैं इसका आपको वर्जन दिखा देता हूँ, ठीक है, कौन सा वर्जन है। ठीक है, आप आ जाइए अबाउट फोन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, 3.0 पे रन कर रहा है वन यू। ठीक है, अब S10 पे देखते हैं हम। ठीक है, तो देखते रहिए ध्यान से, अबाउट फोन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन 3.1। ठीक है, वन यू आई 3.1 3.0, ठीक है, लग गया पता आपको, ये 3.1 में रन कर रहा है, ये 3.0 में रन कर रहा है। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या आए हैं। ठीक है, बैक आज सबसे पहले जो हमारा फीचर है, आप जाएंगे डायलिंग पैड पे। ठीक है, आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाइए, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइए। ठीक है, चले गए, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे डायलिंग पैड पे जाएंगे, 3 डॉट सेटिंग। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं कॉल बैकग्राउंड, आगे सिम वन या सिम टू चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ कॉल बैकग्राउंड। ठीक है, सिम वन सिम टू जो भी आपने डाली है वो उसको चूज़ कर लीजिए, फिर बैकग्राउंड में आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, आ गया, तो यहाँ पे सेम डिफरेंस, आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो कौन सा है अब यहाँ पे देखने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा, तो नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी क्रिएट यूजिंग AR इमोजी, ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पे मेरी गैलरी ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन आपको AR इमोजी का नहीं दिखाई देगा, ये हमारा पहला डिफरेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट सेटिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही अमेजिंग सेटिंग ये वाली चेंज हुई है, वो कौन सी है। हम जाएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन पे, सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद आप जाएंगे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो डिस्प्ले वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे, फिर आते हैं हम डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे, चले गए। ये A51 है, ये S10 है। ठीक है, 3.0 3.1। तो अब यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कर दिया ऑन, यहाँ पे मिलता है आपको। अब नया फीचर यहाँ पे आ चुका है आई कम्फर्ट शील्ड, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले टर्न ऑन, ये टर्न ऑन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपेसिटी का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कैपेसिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कस्टम शेड्यूल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे कस्टम शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। फिर यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, लाइट कितनी ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से। सेट शेड्यूल भी यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डिफरेंस इतना है कि ये ब्लू लाइट फिल्टर है और आई कम्फर्ट शील्ड है, तो दोनों की लाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बंद हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, तो देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कितना फ़र्क है। ठीक है, बैक आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बंद बंद कर दिया, इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से कितना फ़र्क है दोनों स्क्रीन में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कि आई कम्फर्ट शील्ड जो है यहाँ पे अलग सी है, इसका कलर अलग सा है और इसकी स्क्रीन कुछ अलग सी है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ गए ना। सो दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट फीचर कौन सा चेंज हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे। ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने जाना है एडवांस फीचर में। ठीक है, अब हम जो है इसमें जाते हैं A51 में, एडवांस फीचर ऑप्शन कहाँ पे चला गया, ये आ गया एडवांस फीचर। ठीक है, आ गया एडवांस फीचर, अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आप खुल गया कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, ये ऑप्शन यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू ऐप ऑन अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप ध्यान से देख सकती हो, कंटिन्यू ऐप्स ऑन अदर डिवाइसेस। ठीक है, पहला फीचर हमारे यहाँ पे नया ऐड हुआ है। उसके बाद अब नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, चलो यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे वीडियो ब्राइटनेस का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, नॉर्मल ब्राइट। ठीक है, सभी जो आपके डिवाइस में प्राइम वीडियो होता है, यूट्यूब होता है, MX प्लेयर, वीडियो प्लेयर, इन सब में ये अप्लाई हो चुका है, मतलब कि आपकी वीडियो की ब्राइटनेस जो वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है,
ठीक है, ये फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो मुझे काफ़ी मस्त लगा, जो यहाँ पे चेंज हुआ है वो कौन सा फीचर है अब यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी गैलरी पे, चले गए। अब मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो उठाता हूँ अपनी, ठीक है उठा लिया। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे भी गैलरी पे, यहाँ पे मैं अपनी कोई फ़ोटो उठा लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फ़ोटो उठा ली है। ठीक है, तो मैं ये वाली नहीं उठाऊँगा, यहाँ से जो मैंने क्लिक किया वो उठाऊँगा। ठीक है, तो चलिए ये वाली फ़ोटो मैंने यहाँ से उठा ली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, इसको मैं ऊपर को स्लाइड करूँगा, फ़ोटो को स्लाइड कर दिया, मेरी एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आ गई है ना। चलिए नीचे करते हैं, यहाँ पे इसको स्लाइड करते हैं, यहाँ पे मेरी एक्चुअल लोकेशन नहीं आई। उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे ध्यान से देखना। ये 3.0 है, 3.1 है। ठीक है, समझ गए ना, कन्फ्यूज़ मत होना। अब मैं यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। ठीक है, शेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर फोटो दिख रही छोटी सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शेयर वाले ऑप्शन में जाता हूँ। शेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद देखो तो यहाँ पे रिमूव लोकेशन डाटा का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कि आप किसी को फोटो सेंड करेंगे तो उसकी आपका लोकेशन जो है रिमूव हो जाएगी, है ना कमाल का। ये फीचर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब कि मेरा बैकग्राउंड का जो लोकेशन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेटिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, बैक आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट फीचर यहाँ पे चेंज हुआ वो कहाँ पे हुआ है अब ध्यान से देखना। मैं अपने डिवाइस को इस तरह करूँगा, ठीक है, मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये 3.0, 3.1। ठीक है, अब मैं इस तरफ स्लाइड करूँगा, इस तरफ स्लाइड करूँगा, यहाँ पे मुझे सैमसंग डेली का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे सैमसंग फ्री का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए हम सैमसंग डेली को ओपन करते हैं और सैमसंग फ्री का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट फीचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आपको मैं डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर मैं बता दूंगा कि ऑब्वियसली इसका यूज़ क्या है, यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट चेंज हुआ है वो कहाँ पे है, तो बहुत ही कमाल का चेंजेस हुआ यहाँ पे, वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लॉक, क्लॉक टाइप करना है अपने क्लॉक। ठीक है, मैं सर्च करूँगा यहाँ पे क्लॉक। ठीक है, क्लॉक सर्च कर लेना आपने, सॉरी पबजी ऑन होगी। क्लॉक पे क्लिक करना है, अपने क्लॉक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करनी है कुल मिला के। ठीक है, कर दी। फिर आप देखते हैं यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, 3.0, 3.1। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, सेट बैड टाइम का ऑप्शन मिल रहा है, डिलीट का यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन मिल रहा है, सेट बैड टाइम। यहाँ पे आप बैड टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, शेड्यूल जो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फीचर, सेट योर स्लीप शेड्यूल। ठीक है, जो कि आपको 3.0 में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर कौन सा यहाँ पे चेंज हुआ है, हम अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पैनल नीचे करते ही यहाँ पे मुझे डिवाइस मीडिया का ऑप्शन ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको नीचे करना होगा, फिर आपको डिवाइस मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसका तब भी मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको ऊपर करूंगा तब भी डिवाइस मीडिया यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आप इसके लिए आपको जो है इंस्टॉल करनी होगी एप्लीकेशन, वो है स्मार्ट थिंग। ठीक है, गूगल होम से आपको इसको इनेबल करनी होगी। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको चेंजेस ही बताऊंगा, तो आप चेंजेस यहाँ पे देख लीजिए। जो नेक्स्ट चेंज हुआ वो हमारे कैमरे के ऊपर, चलिए 3.0, 3.1 कैमरा को ओपन करते हैं। चलिए इसको भी ओपन कर देते हैं, कैमरा हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंगल टेक में यहाँ पे चेंजेस आए हैं। ठीक है, सिंगल टेक आ गया, मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक सिंगल टेक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर से मैं इसको स्लाइड करूँगा, फिल्टर्ड फोटो, स्पीड इफेक्ट क्लिप्स, पोर्ट्रेट्स, वाइड क्रॉप्ड शॉट, हाईलाइट वीडियोस, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, समझ गए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं डेडिकेटेड, तो वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम जो है नेक्स्ट फीचर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस भी आपके यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन में हुई है। ठीक है, आपने फिर से कैमरे वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चेंजेस, आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाइए। ठीक है, चलिए मैं वीडियो वाला ऑप्शन चला गया, यहाँ पे मैं वीडियो वाले ऑप्शन चला गया, 3.0, 3.1, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वीडियो का जो मोड है आप यहां से बाहर से चेंज कर सकते हैं, फुल HD, यहां पे आपको UHD, UHD, 30 FHD, 60 FPS, HD 30 FPS, UHD 60 FPS, ये मोड आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो का चेंज करने का यहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना होगा। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे ना तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा वीडियो साइज़ का। ठीक है, देख सकते हो ना,
रियर वीडियो साइज, फ्रंट वीडियो साइज, आपको ये साइज यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट फीचर, वो भी आपके कैमरा का है, आप मोर वाले ऑप्शन में जाइए। मैं अभी यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है, वो क्या है, ए आर डूडल का ऑप्शन यहाँ पे मिलने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपको ए आर डूडल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है, बाकी मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डाउनलोड मांग रहा है, तो मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो बना दूंगा, मैं आपको चेंजेस ही बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए अब हम बैक आ जाते हैं, अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सॉरी, कैमरे का एक फीचर यहाँ पे मिस हो चुका है मेरे से, वो कौन सा यहाँ पे चेंज हुआ है, आप मोर वाले ऑप्शन में जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है, वो क्या हुआ है, वो है हमारा पोर्ट्रेट वीडियो है यहाँ पे लाइव फोकस, ठीक है। लाइव फोकस को यहाँ पे कन्वर्ट करके पोर्ट्रेट वीडियो यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। ये फीचर यहाँ पे चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, नेक्स्ट फीचर जो है, हम जाएंगे सेटिंग पे, ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं हम सेटिंग पे, ठीक है। फिर हम जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशंस पे, ठीक है। चले गए, यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, बहुत ही कमाल का चेंज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नीचे को स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखते हो, कॉल वाइब्रेशन एंड पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉल वाइब्रेशन एंड पैटर्न का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न का, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन ही मिलेगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का पैटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे वाइब्रेशन पैटर्न आ गया, यहाँ पे कॉल वाइब्रेशन पैटर्न, यहाँ पे कॉल ऐड हो चुका है, ठीक है। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन आपको नहीं मिलता था, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। अब लास्ट फाइनल फीचर कौन सा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल फीचर, नोटिफिकेशन पैनल नीचे डाउन करते हैं, ठीक है। कर दिया, अब मैं इसका नोटिफिकेशन पैनल डाउन नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फीचर ऐड हुआ है, ठीक है। वो कौन सा है, ठीक है, आई कंफर्ट शील्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आई कंफर्ट शील्ड, यहाँ पे आपको ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो कहाँ गया, ठीक है, ये मिल गया, ये चेंजेस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।